So good morning all of you. Today we will discuss total surface area and curved surface area of a solid. Solids mein Q aur QI par based question rahenge. First question is the total surface area of cube is 1176 centimeter square, 1176 centimeter square, 0.8 volume. Kal aap padhe the sabka formula, total surface area of cube kya padhe hain? To bataoge? Total surface area of cube. कल पढ़े होंगे सॉल्यूशन में टोटल सरफेस एरिया. आप बैठ सकते हैं मैडम. टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ? 6 इंटू साइड का स्क्वायर. लिख सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर. साइड को भी ए मान लीजिए. 1176. तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1176 बाय 6. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6. कितना है 196. अभी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट है. किसका स्क्वायर रूट है? तो 14 का है. यानी 14 सेंटीमीटर. फर्स्ट है तो फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको साइड फाइंड करना होगा. साइड क्या फाइंड कर लिए? साइड इज 14 सेंटीमीटर. क्योंकि यहां सेंटीमीटर में दिया हुआ एरिया. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब या साइड का क्यूब. ए आप फाइंड किए कितना? 14. तो 14 इंटू 14 और तीनों 14 में सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर. 14 इंटू 14 196 और इंटू 14. अब इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. यहां पर आपने 196 इंटू 14 4 कितना है? 2744. इसको प्रोडक्ट करने के बाद आया 2744 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर एंड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का यूनिट स्क्वायर और साइड सेंटीमीटर में. ये समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? बोलो. हाँ
ये समझ में आया क्वेश्चन? अमृत गौतम, हरे राम, चलो बोर्ड पर क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। थोड़ा क्लियर नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में द लेटर फिर से देखते हैं ऑप्शन के द लेटर सर्फेस एरिया लेटर सर्फेस एरिया ऑफ ए क्यू ए 900 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड एक्स वॉल्यूम। क्या बोर्ड पर लिखा हुआ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है? बोलो, सबको नहीं क्लियर आ रहा है? किसी को आ भी रहा है? और स्टूडेंट हरे राम, आपको आ रहा है क्लियर बोर्ड पर? हरे राम, तो फिर से ऑफ करके ऑन करना होगा क्या? अच्छा, तो थोड़ा सा फिर से एक मिनट। देखो आप, देखो कुछ ठीक हुआ? चलो ओके। द लेटर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यू इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई बताएगा व्हाट इज द लेटर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यू? कब पढ़े हैं? अगर कोई भी क्यूब का अगर साइड ए हो तो लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? तो लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a² होता है, जबकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है। इसके पहले था सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन लेटर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 4a². आप लिखोगे सॉल्यूशन में लेटर सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। We know that lateral surface area of a cube is 4a² is equal to 900 centimeter square. Now in this equation, find the value of a. A means side of cube. And the a square 900 by 4. So a is equal to रूट अंडर 900/4, 900 का स्क्वायर रूट 30 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2
a is equal to 30/2, 2 से 30 कैंसिल कर लो 15 टाइम्स में, यानी a is equal to 15 सेंटीमीटर. First हम find किए side of cube is 15 सेंटीमीटर. अब आप इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ऑफ क्यूब ए क्यूब मीन साइड का क्यूब या एज का क्यूब. ए इज 15, 15 सेंटीमीटर का फोर क्यूब. 15 इंटू 15 15 इंटू 15 2 टू 5 और इसमें और एक 15 को मल्टीप्लाई कर दो 2 टू 5 5 7 3 3 यानी 3375 सेंटीमीटर क्यूब. यानी जिसका नेचुरल सरफेस क्या हुआ था, इसका वॉल्यूम आया 3375 3375 सेंटीमीटर क्यूब आया. ओके, समझ गए क्वेश्चन ये? किसी को प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम? हाँ, फिर से लगावे, फिर से करते हैं. Surface area. Question is, the volume of a cube is 512 centimeters cube. Find its surface area.